माँ बाप की सेहत बहुत ज्यादा खराब है और हज पर जाए तो क्या करें? माँ बाप का ख्याल करें, हज पर जाए। देखिए, बात यह है कि अगर अगर आप पर हज पर जाए लेकिन ट्यूशन में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके माँ बाप की क्रिटिकल कंडीशन हो गई है ना, अगर ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन है जहाँ पर समझे कि एक मरने की हालत होती है, क्रिटिकल कंडीशन ये होती है जहाँ पर कोई टेक केयर करने वाला नहीं है, फिर देन यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड फॉर द हज, क्योंकि हज होगा आपके नियत के ऊपर। लेकिन अगर हज पर जाना चाहते हैं लेकिन अगर आप माँ बाप की कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, फिर आपको हज छोड़ना पड़ेगा माँ बाप के टेक केयर करने के लिए। लेकिन अगर आपके ऊपर हज पर जाए एंड यू वांट टू गो टू फॉर हज, लेकिन वहां पर कोई और है उनका ख्याल रखने वाला, देन इट इज ऑब्लिगेटेड फॉर यू टू गो टू हज, क्योंकि आपके माँ बाप का कोई और ख्याल रखा। लेकिन आप हज पे जाएं अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। अब ऐसे नहीं कि छोटी छोटी बातों को आप क्रिटिकल कंडीशन बना के बैठ जाएं। क्रिटिकल कंडीशन ये होती है, खुदा ना खासा कोई आईसीयू में पड़ा हुआ है या बुढ़ापे की वो हालत है कि आप हज पर जाएंगे, खुदा ना खासा पीछे से कुछ हो जाए और कोई टेक करने वाला नहीं है, देन यू हैव टू वेट फ्रॉम द हज। फिर आपकी नियत के ऊपर अल्लाह ताला आपको हाजियों में उठाएंगे क्यामत वाले दिन।